नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। सिविल स्कोर की ज़रूरत किसको किसको रहती है? ज़रूरत तो सबको रहेगी, वो तो कोई भी मांग सकता है, लेकिन सिविल स्कोर प्राइवेसी एक्ट के तहत में कवर होता है। इसी कारण सिविल स्कोर कोई भी अपनी मर्जी से नहीं देख सकता। तो फिर किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बैंक अगर HNI का बैंक अकाउंट खुलता है तो उसके बारे में वो क्रेडिट चेकिंग पहले एक बार ज़रूर करता है, HNI क्लाइंट अगर है, ताकि कोई डिफ़ॉल्ट या फिर उसका टेंडेंसी है तो उसको चेक कर सके। लेकिन वहाँ पर भी उनको फॉर्म फिलअप कराना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना कंसेंट में कुछ भी हो नहीं सकता, पहला चीज़। दूसरा, अगर कोई लेंडर है, लेंडर का मतलब कौन हो गया? ऐसे लेंडर जो कि अप्रूव्ड लेंडर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, RBI से अप्रूव्ड लेंडर कौन कौन हो सकता है? एक तो बैंक भी लेंडर हो सकता है, दूसरा NBFC जिसको RBI का लाइसेंस मिला है वो भी हो सकता है, तीसरा निधि कंपनी भी हो सकता है क्योंकि वो भी NBFC है, ठीक है, उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से मिला हुआ लाइसेंस, और सेक्शन 8 का जो काम कर रहे हैं जिसमें माइक्रो फाइनेंस का ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट के अंदर में, उनको भी ये लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन ये लाइसेंस जिनको भी मिल रहा है, ये सारे लोगों को कब चेक करने का अधिकार है? जब ये फॉर्म फिलअप करा लेंगे। अच्छा सर, इसके अलावा भी कोई है क्या जिसको ये अधिकार मिला हुआ है? जो अगर लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड किसी को किराए पे देने से पहले भी ये चीज़ चेक कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंसेंट की ज़रूरत रहेगी। अगर कोई क्रेडिटर है, किसी को बड़ा लोन या बड़ा उधारी देना चाहता है, तो उसको भी इस चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड लोग और हैं जिनको ये अलाउड रहता है, लेकिन वहाँ पर हर केस में कंसेंट की ज़रूरत है। तो सर, क्या फैमिली मेम्बर भी ले सकते हैं क्या ये क्रेडिट स्कोर का फ़ायदा? जैसे हस्बैंड वाइफ का ले सकता है क्या, या फिर वाइफ हस्बैंड का ले सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये प्राइवेसी डॉक्यूमेंट है, ये लेने का किसी को अधिकार नहीं है। और ये अधिकार इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि उसको किसी भी गलत तरीके से प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ ना किया जाए। अगर वो इतने ही आपका पति या पत्नी है तो फिर आप उससे खुद ही मांग लो। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि सर, ये मनी लेंडिंग वाले लोगों को ये देखने का अधिकार है क्या? डायरेक्टली मनी लेंडिंग वालों को देखने का अधिकार अभी तक नहीं है, लेकिन और बहुत सारे रास्ते हैं जिसको, जो मैं ज़रूर बता सकता हूँ अगर आप नीचे में कमेंट करते हो। लेकिन मैं कुछ स्पेशल चीज़ और बता दूँ। क्रेड कंपनी आपने सुना है, इंड मनी आपने सुना है, राइट, और इस तरीके से और भी बैंक बाज़ार, लेंडिंग कार्ड, ये सारे भी हैं जो कि आपको क्रेडिट स्कोर बताते हैं। क्या बताते हैं? क्रेडिट स्कोर बताते हैं। तो क्या क्रेड कंपनी भी क्रेडिट स्कोर बताने का राइट रखता है? सर, वो तो फाइनेंस कंपनी लगता नहीं है, सच बोल रहे हो, वो फाइनेंस कंपनी है भी नहीं। उनको NBFC का सहारा लेना पड़ता है, किसी दूसरे NBFC के थ्रू ही वो अपना लेंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में लेंडिंग वही कर सकता है जो RBI के रूल्स के अनुसार चलता है। लेकिन क्रेडिट स्कोर के लिए क्या करते हैं? सर, क्रेडिट स्कोर के लिए अगर आप जाएंगे क्रेड का, अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसमें जाकर देखिएगा, CRIF हाईमार्क का एप्लीकेशन वो यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि कभी भी दूसरे क्रेडिट एजेंसी को यूज़ करके ही स्कोर दिया जा सकता है। इसका मतलब अगर कोई, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्रेड के एप्लीकेशन में जाते हो तो आप अपना आइडेंटिफिकेशन बताते हो, अपना पैन नंबर आप बताते हो, उसके बाद में आप बटन दबाते हो, तब जाके आप देख पाते हो कि आपका स्कोर कितना है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर भी कंसेंट ज़रूर जा रहा है। तो अब बात ये रही कि हम कब कब किसका किसका देख सकते हैं, फिर से बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला बैंकर देख सकता है, दूसरा मनी लेंडर देख सकता है, तीसरा लैंडलॉर्ड देख सकता है, चौथा क्रेडिटर देख सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की एजेंसीज देख सकती है क्या? बिल्कुल देख सकती है। जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो ज़रूर आपको ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकती है, कहीं पर आपने कुछ गड़बड़ किया या कर रहे होगे तो उसको भी चेक करने का उनको पूरा राइट्स है। उनको स्पेशली परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उनके अलावा सारे लोगों को परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट भी चेक कर रही है तो उनके पास रीजनेबल डाउट होना चाहिए, रीजनेबल कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो चेक कर रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इससे रिलेटेड, सिविल स्कोर से रिलेटेड मैं और कुछ वीडियो बनाऊंगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करते हैं मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। और मनी लेंडर अगर कोई रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, मनी लेंडर का मतलब होता है साहूकारी वाला, उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा अगर कुछ कमेंट्स मेरे में आ जाते हैं और कम से कम 10-15 लाइक आएगा तो ज़रूर करूँगा। दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन ज़बरदस्त हो, शुभ हो।